हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एसएल दाकड़। हमारे यूट्यूब चैनल दाकड़ नॉलेज पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, नर्सिंग व सीएचओ रिलेटेड लेटेस्ट वैकेंसी व लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि अभी MPCHO में जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उनको पोस्टिंग प्लेस हेतु ऑप्शन फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। ये मेरे पास ऑप्शन की लिस्ट है जिसमें लगभग 2086 सब सेंटर की लिस्ट है। ये लिस्ट चाहो तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगी, आप PDF डाउनलोड कर सकते हो। जिले का नाम लिख रखा है, सब सेंटर कौन से ब्लॉक के अंतर्गत आता है ब्लॉक का नाम लिख रखा है, वह NIN नंबर भी लिख रखे हैं जो आपको सब सेंटर ऑप्शन फॉर्म ऑनलाइन भरते वक्त जरूरत पड़ेगी। फ्रेंड्स, टोटल सब सेंटर 2086 है। ये लिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके आप पूरी देख सकते हो। जो आपको सूटेबल हो वो सब सेंटर भरें, मैक्सिमम 150 आप ऑप्शन भर सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सब सेंटर चूज करते वक्त सावधानी रखें, जो आपके नियर बाई है वही सब सेंटर चूज करें। अगर आप आउट ऑफ MP के स्टूडेंट हैं तो आपके स्टेट के नियर कौन सा डिस्ट्रिक्ट है उसी डिस्ट्रिक्ट के सब सेंटर चूज करें। फ्रेंड्स, 9 जनवरी 2021 तक सब सेंटर चूज होंगे, ऑप्शन फॉर्म भरे जाएंगे। इसके जस्ट बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसी माह होगा, 15 तारीख बाद में कभी भी हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल तैयार रहे। डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या सावधानी रखनी है इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। वीडियो के लास्ट में ये भी बताऊँगा कि वेटिंग लिस्ट का क्या स्टेटस है, वेटिंग लिस्ट कैसे निकलेगी, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स के कमेंट आ रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट निकलेगी या नहीं निकलेगी, कब निकलेगी, तो वेटिंग लिस्ट के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। कुछ OBC स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे हैं कि OBC में पूरी पोस्टिंग क्यों नहीं दे रहे हैं, पोस्टें रिजर्व क्यों रखी है, तो फ्रेंड्स इसके बारे में बात करूँगा। फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंट्स 15 तारीख बाद में होगा, तैयार रहे। फ्रेंड्स, MPCHO में 2 लाख का बॉन्ड है। अगर आप 3 साल लगातार नौकरी कर पाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 3 साल पहले अगर नौकरी छोड़ते हो तो आपको 2 लाख रुपए जमा कराने पड़ेंगे। फ्रेंड्स, इसमें कंडीशन यह है कि अभी ऑप्शन फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद में आपको इंटर्न CHO के रूप में पोस्टिंग दी जाएगी। उस समय आपको 15,000 सैलरी मिलेगी और इस समय तक बॉन्ड का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि आप इंटर्न CHO के रूप में काम कर रहे हो, आप CHO नहीं हो। फ्रेंड्स, अभी आप इंटर्न CHO की पोस्टिंग पर काम करोगे, आपके BSc या पोस्ट BSc नर्सिंग का रिजल्ट आएगा, डिग्री आएगी, MP नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाओगे, उसके बाद में आपको CHO के पद पे पोस्टिंग मिल जाएगी और सैलरी आपकी 25,000 हो जाएगी व इंसेंटिव अलाउंस आपका 15,000 हो जाएगा, इन टोटल 40,000 रुपये मिलने लग जाएंगे। उस समय आपको 2 लाख बॉन्ड भरना पड़ेगा। उस समय आप परमानेंट CHO के पद पर पोस्टेड हो जाओगे और अगर आप नौकरी छोड़ते हो तो 2 लाख रुपए आपको जमा कराने पड़ेंगे। ये थी 2 लाख रुपए बॉन्ड की बात। अब बात कर लेते हैं कि इसके लिए कुछ ट्रेनिंग होगी या नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, बता दूं कि अभी ऑप्शन फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में आपको अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई कमी नहीं है तो आपको इंटर्न CHO के पद पर डायरेक्ट पोस्टिंग दे दी जाएगी, कोई कोर्स नहीं करवाया जाएगा। बहुत सारे फ्रेंड्स पूछ रहे हैं कि सैलरी स्टार्टिंग में मिलेगी नहीं मिलेगी, तो फ्रेंड्स इसमें डायरेक्ट सैलरी मिलेगी। इंटर्न CHO के पद पर पोस्टेड होंगे इसलिए आपको 22,500 सैलरी मिलेगी। अदर स्टेट में ब्रिज कोर्स करवाते हैं इसलिए वहां पे सैलरी नहीं मिलती है। फ्रेंड्स, बहुत सारे फ्रेंड्स के कमेंट आ रहे हैं कि बॉन्ड अगर नहीं भरेंगे तो क्या होगा। फ्रेंड्स, अगर आपने 3 साल की नौकरी पूर्ण नहीं की है और पहले ही छोड़ दी है, क्योंकि आपका कहीं परमानेंट पोस्टिंग हो जाती है, कहीं नर्सिंग ऑफिसर में सिलेक्शन हो जाता है, तो जाहिर सी बात है कि आप CHO की नौकरी छोड़ोगे, क्योंकि परमानेंट नौकरी और CHO की नौकरी में बहुत रात दिन का डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स, उस समय आपको बॉन्ड भरना पड़ेगा, क्योंकि आपको 500 रुपये के स्टाम्प आपसे लिखवा के लिया जाएगा, आपके साइन होंगे और बॉन्ड की श्योरिटी देने वाले के साइन होंगे। आप जमा नहीं कराओगे तो श्योरिटी पे जो भी साइन करेगा उससे बॉन्ड वसूला जाएगा, इसलिए बॉन्ड तो भरना पड़ेगा। हो सकता है कि छात्रों के हंगामे के बाद कुछ बॉन्ड कम हो जाए, कुछ बदलाव हो जाए, ये कुछ कह नहीं सकते अभी, परंतु अभी की स्थिति को देखते हुए 2 लाख का बॉन्ड है। फ्रेंड्स, अब कर लेते हैं वेटिंग लिस्ट की बात, की वेटिंग लिस्ट आएगी नहीं आएगी।
तो फ्रेंड्स वेटिंग वालों के लिए बता दूं कि आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। आपका वेटिंग में नहीं हुआ तो बाद में कहीं अच्छी जगह सिलेक्शन हो जाए, कहीं अच्छी जगह नर्सिंग ऑफिसर में सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि आपको अभी से पता चल गया है कि आपकी तैयारी वीक है, और आप अच्छी तैयारी में लग जाए और आपका सिलेक्शन अच्छी जगह नर्सिंग ऑफिसर में हो जाए। तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करें, लगे रहे तैयारी में, अभी नहीं तो आगे कभी न कभी अच्छी जगह आपका ज़रूर होगा। और रही बात वेटिंग की, तो वेटिंग लिस्ट आएगी, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई कैंडिडेट बाहर निकलता तो उसकी जगह वेटिंग आएगी, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद इंटर्न CHO के पद पर पोस्टेड होंगे, उसके बाद पोस्ट BSc व BSc नर्सिंग का रिजल्ट आएगा, उसमें अगर कैंडिडेट फेल हो जाएंगे तो उनको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, उसके बाद में भी वेटिंग निकलेगी। इसलिए वेटिंग निकलने के काफ़ी चांसेस है और काफ़ी ज़्यादा वेटिंग क्लियर हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं OBC कैंडिडेट्स की। तो फ्रेंड्स OBC कैंडिडेट्स का कोर्ट केस मध्य प्रदेश कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट का जब भी फैसला आएगा तो ये जो सीटें बची हुई 400 के लगभग इनको भरी जाएगी। पहले वेटिंग वालों को लेंगे, वेटिंग वालों के बाद में 20 सीट रहेगी, और वो जो अभी सेलेक्टेड नहीं बता रखा है उनको लिया जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स इनका हक है, अगर कोर्ट केस नहीं होता तो इनका सिलेक्शन ज़रूर हो जाता। तो फ्रेंड्स OBC कैंडिडेट्स भी कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करें, परंतु अपनी तैयारी लगातार बनाए रखें और अच्छी तैयारी करें, नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी करें, क्योंकि कोर्ट फैसले हैं, काफ़ी वक्त भी लग सकता है, जल्दी भी फैसले आ सकते हैं, इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। तदुक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप सक्सेस हो जाते हैं, कोई कमी नहीं निकलती, इंटर्न CHO के पद पर पोस्टिंग मिल जाती है, तो आप BSc व पोस्ट BSc नर्सिंग पास कर लें, फेल बिल्कुल भी नहीं होना, अगर फेल हो जाएंगे तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स इस वीडियो रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। फ्रेंड्स मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि ऐसे ही जानकारी प्रति वीडियो बनाता रहूं, आप तक भेजता रहूं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।